अटल बिहारी वाजपेयी ने दलितों को लेकर अपने दौर में 325 कल्याण योजनाएं बना दी और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सत्ता संभालते ही दलितों के दर्द के साथ कुछ इस तरीके से खुद को जोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को? क्या आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है? क्योंकि केंद्र की सत्ता संभालते ही बीजेपी ने पहले रविदास जयंती मनाई, अंबेडकर की 125वीं जयंती को देश भर में मनाना शुरू किया, दिल्ली में लुटियन जोन में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने की शुरुआत कर दी, लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया, मुंबई में इंदू मिल में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी, अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए योजनाओं का ऐलान किया। आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले। इतना ही नहीं, मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के तहत दलित एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की कोशिश की तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी नहीं रुके, वो तो वाराणसी में दलितों के घर भोजन करने पहुंचे, तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान वाल्मीकि संत उमेश नाथ को आगे कर प्रधानमंत्री मोदी के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गए।